Dear students, in this module, we are going to talk about family as an agent of socialization. Family is often considered the most important agent of socialization as it is the primary source of emotional support, basic needs, and socialization of children. How family as socializing agent? Is considered. फैमिली इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन वेरी कर सकती है कुछ कल्चर्स के अंदर दो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ रहने का नाम फैमिली दिया जाता है कुछ माशरों के अंदर फैमिली एक एक्सटेंडेड यूनिट होता है जिसके अंदर बाक़ी रिश्तेदार भी आ सकते हैं जैसे माँ बाप उनके माँ बाप आ, उनके बहन भाई ये सारे लोग मिल फ़ैमिली बनाते हैं कुछ माशरों के अंदर फैमिली की डेफिनेशन बाकी माशरों के नस्बत थोड़ी वियर्ड होती हैं जैसे सिमिलर जेंडर के लोग भी जो हैं वो फैमिली बना सकते हैं जैसे दो फीमेल मिलकर भी एक फैमिली बना सकते हैं या दो मेल मिल के भी एक फैमिली बना सकते हैं तो डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्ट में फैमिली की डेफिनेशनस तो मुख्त हो सकती हैं लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन ये यूनिवर्सली एग्जिस्ट करता है और की फैक्टर कंसिडर होता है बच्चों की सोशलाइजेशन में इन पाकिस्तान फैमिलीज़ माइट ट्रांसमिट कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ एक्सपेक्टेशन अबाउट जेंडर रोल्स एंड आइडियाज़ अबाउट फैमिली स्ट्रक्चर एंड हैरारकी पाकिस्तानी माशरे में अगर हम बच्चे की सोशलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि बचपन से उसको ट्रडिशनल वैल्यूज़ रिलीजियस वैल्यूज़ रिलीजियस नॉम्स और पर्टिकुलरली जो जेंडर नॉम्स और जेंडर रोल्स होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है कैसे बिहेव करना है किस सिचुएशन में किस कॉन्टेक्स में किस तरह से बिहेव करना है और ख़ास तौर पे जो जनरलाइज अदर्स होते हैं जैसे कि बाकी लोग होते हैं उनके सामने किस तरह से बिहेव करना है अपनी फैमिली विद इन फैमिली स्ट्रक्चर विद इन हाउस होल्ड आप किस तरह से बिहेव कर सकते है? तो ये सारे बिहेवियरल प्रोसेस जो हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन इस हवाले से बच्चे को गाइड करती है सोशलाइज़ करती है और नॉर्मेटिव पैटर्नस जो हैं वो ऐसा भी नहीं है कि ये सारे के सारे एक ही तरह के हों यूनिवर्सल हों रूरल एरियाज़ में फैमिलीज़ के सोशलाइजिंग पैटर्न्स मुख्त हो सकते हैं नस्बता अर्बन एरियाज़ के इसी तरह से जो रीजनल वेरिएशन हैं या एथनिक वेरिएशन हैं उनमें भी जो फैमिली इंस्टीट्यूशन के जो सोशलाइजिंग प्रोसेस हैं वो वेरी कर सकते हैं सो सोशलाइजेशन इन द फैमिली टिपिकली बिगेन्द दी अर्लीस्ट इंट्रैक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड इन फैक्ट इनफेंट्स एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द चाइल्ड हुड एंड अडोलेशन ऐसा भी नहीं है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन सिर्फ बचपन में बच्चे की सोशलाइजेशन करता है और उसके बाद इसका रोल ख़त्म हो जाता है हाँ ये उसके लिए एक फ़ाउंडेशन तैयार करता है बच्चे के लिए प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है और इसके बिल्ड किए हुए जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चरस होते हैं लेटर ऑन बच्चे की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और लेटर ऑन जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वक्त के साथ साथ उसके सोशलाइजिंग सोशलाइजेशन के पैटर्न्स या मेकनिज़म्स भी तब्दील हो जाते हैं बचपन में सोशलाइज़ करने का अंदाज मुख्तफ होगा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे सोशलाइजेशन का अंदाज़ भी बदलता जाता है सो फैमिलीज़ आल्सो प्रोवाइड द मॉडल्स फॉर बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स शेप द चिल्ड्रन आइडियाज़ अबाउट द सोशल रोल्स एंड रिलेशनशिप्स हमारे ख़्यालत तस्वूरत हमें किस तरह से बात करनी है अंदाज़ गुफ्तु लिबास कैसा पहनना है ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं फैमिली की सोशलाइजेशन प्रोसेस में अमूमन आपने देखा होगा कि बच्चे के बात करने के अंदाज़ में उसके माँ बाप के अंदाज़ की रिफ्लैक्शन आपको मिलती है इसी तरह से उसके बिहेवियर के अंदर बहुत सी ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो उसके माँ बाप की उसमें झलक नज़र आ रही होती है तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फैमिली इंस्टीट्यूशन का रोल बहुत क्रूशल होता है बहुत फाउंडेशनल होता है बड़ा बुनियादी होता है और इसी बुनियाद के ऊपर जो बाकी सोशलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्टअप होते हैं उसकी लेटर लाइफ में